गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? ऑडिबल है प्रॉपरली? यस सर। यस सर। चलो बढ़िया फिर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राइट, सो मुझे बताओ लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम क्या क्या था जरा रिकॉल कीजिए। What did we do last time? Modulus of x function. Okay, modulus of x के बारे में कुछ तो पढ़ा था। Okay, जरा उसको जरा देख लो, जरा कुछ याद आ रहा है क्या? Yes sir. Okay. आपने चार वो दिए थे like rules type के okay. if modulus Formulas of x उसके बाद मैंने डेफिनेशन भी बताया था, मॉडुलस का डेफिनेशन बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। बाकी लोग क्या बोलते हो, याद है कि नहीं याद है? भूल गए हो? जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो। चलो उसको शॉर्ट में एक बार फिर पढ़ लेते हैं ना, एक बार उसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं वापस। कम ऑन एवरीवन, स्टार्ट रिवाइजिंग जो भी मैंने लास्ट टाइम इसके बारे में बताया था मॉडल्स के बारे में। तब तक मैं जरा एक फाइल ओपन कर लेता हूं। चलो कम ऑन, मजा आएगा आज। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या बताया था मैंने मॉड्यूलस के बारे में? कम ऑन, हाउ डज मॉड्यूलस वर्क? मॉड्यूलस ऑफ एक्स, बोलो मॉड्यूलस ऑफ एक्स का आंसर क्या होता है? कम ऑन, मॉड्यूलस ऑफ एक्स का आंसर या तो एक्स रहेगा, बराबर है? मॉड एक्स की जगह पे एक्स कब आएगा? मॉड एक्स की जगह पे एक्स कब आएगा जब एक्स इज पॉजिटिव? हाँ, सिर्फ पॉजिटिव नहीं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। And mod x will be minus x when x is less than zero. Zero, है ना? ये बताया था आपको, ये basic सा definition है, ये आपको पहले तो पता होना चाहिए, ठीक है? This is the way modulus works. अभी mod के अंदर अगर sir, what if x is zero? बोला ना, equal to zero पे क्या आएगा? Equal to zero पे भी क्या आएगा? Mod of x की जगह पे x ही आएगा, right? चलो, है ना? तो अगर ऐसा कुछ आता है, mod of x plus three आता है ना? मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री आता है, तो फिर अभी इसको कैसे करोगे? जैसे इसको टैकल किया है आपने, एग्जैक्टली सिमिलर में इसको भी टैकल करोगे। अगर अंदर वाला नंबर, ये मॉड के अंदर वाला नंबर जीरो या जीरो से बड़ा हुआ, अंदर वाला नंबर जीरो या जीरो से बड़ा हुआ, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री का आंसर क्या आएगा? सिंपली एक्स प्लस थ्री आएगा। अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव हुआ तो आंसर क्या आएगा? माइनस ऑफ एक्स एक्स प्लस थ्री। बराबर की नहीं बराबर? क्या बोलते हो बच्चे? तो सर इट विल बी माइनस। यस सर। यस, माइनस एक्स माइनस थ्री, बराबर बोला आपने। जस्ट अ मिनट, राइट? बहुत बढ़िया, है ना? अब देखो, आपने ये पढ़ लिया। अभी कैसा होता है ना बच्चे लोग, एक होता है कि आपको डेफिनेशन पता है और दूसरा होता है कि आपको उसको अप्लाई करने भी आना चाहिए ना। यू शुड नो हाउ टू अप्लाई, ठीक है? तो मैंने आपको ये तो बता दिया, फिर उसके बाद मैंने आपको, जहां तक मुझे याद है, मैंने आपको चार फॉर्मुलाज दिए थे कि नहीं दिए थे, जरा चेक कीजिए, है ना? तो जरा उसको जरा देख लीजिए, रिकॉल कीजिए। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला दिया था मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन ए, है ना? अगर ऐसा है मॉड एक्स लेस देन ए, सो दिस इंप्लाइज व्हाट? एक्स किसके बीच में मल्टीप्लाई करेगा? एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए एंड ए। चेक करो, माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन, ऐसा कुछ दिया था कि नहीं? चेक करो, है ना? मॉड एक्स लेस देन ए है तो माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। Come on guys, उसके बाद mod x अगर less than equal to a है तो बताओ क्या आएगा बच्चा लोग? mod x less than equal to a तो क्या लिखूं? Come on, difference क्या है फिर? अभी minus a हर जगह में change क्या आएगा? greater than x, equal to भी आ जाएगा ना बच्चा? equal to आ जाएगा इसमें, और इसमें difference क्या है? सिर्फ equal to sign का difference है, तो answer में भी क्या आएगा बच्चा लोग? answer में भी क्या आएगा? सिर्फ
इक्वल टू साइन ऐड ऑन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले ना क्वेश्चन को देखने का और आइडेंटिफाई करने का कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। आवाज आ रही है ना? ब्रेक नहीं हो रहा है ना मेरा? इट्स कमिंग फ्रॉम माय साइड। ओके चलो ना, ये दो हो गया ठीक है। मोड एक्स लेस देन है, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू है। अभी इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। अगर मोड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन है, मोड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x का वैल्यू ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस a, ठीक है? x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस a। दूसरा भी कर लो, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो फॉर्मूला में सिर्फ इक्वल टू आ जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेसर देन इक्वल टू माइनस a, ठीक है? ये फॉर्मूला को क्या करो, पहले अच्छी तरह ना एकदम फिट कर लो। देखो अभी ना इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है ना, तो थोड़ा सा आप लोग को है ना कॉशियस रहना होगा व्हाइल सॉल्विंग, ठीक है? देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एंड मतलब क्या डिनोट करता है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है? एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है? मैं आपको सामने क्वेश्चंस रखूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले आज हम लोग, ठीक है? सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? फिर मैं क्या करूंगा, जैसे हमारा एक टॉपिक हो जाएगा ना, उसके बाद मैं एक साथ आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा, सो यू गाइस हैव टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, ठीक है? आपको भी मजा आएगा, दोस सम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कम ऑन। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है? मैं आपके सामने रखता हूं क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, लेसन इक्वल टू थ्री, ओके परफेक्ट। अभी आपको करना क्या है, आपको बताना है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है? आपको बताना है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स विच सैटिस्फाइज दिस इनइक्वेशन एंड दिस इनइक्वेशन। यानी आपको बताना है ऐसे कौन से एक्स के वैल्यूज, ऑप्शंस भी है आपके पास, ऐसे कौन से एक्स के वैल्यूज है जो ये वाला इक्वेशन एंड ये वाला इन इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं, सैटिस्फाई करते हो। यानी ऐसे एक्स के वैल्यूज जो दोनों इन इक्वेशन को क्या करते हो, सैटिस्फाई करते हो, वो आपको बताना है कौन से एक्स के वैल्यूज है जो इन दोनों इन इक्वेशन को क्या करते हो, जो इन दोनों इन इक्वेशन को क्या करते हो, सैटिस्फाई करते हो। देखो आपको एक्स के वैल्यूज चाहिए, क्या चाहिए जल्दी से बोलो, एक्स के वैल्यूज चाहिए जो दोनों भी इन इक्वेशन को क्या करते हो, दोनों भी इन इक्वेशन को सैटिस्फाई करते हो। तो अभी आपको करना क्या, मैंने क्या बोला, दोनों के बीच में एंड है, मतलब x के वैल्यू जो इसको भी सैटिस्फाई करते हो एंड इसको भी करते हो, तो हम क्या करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन सेट निकालेंगे, पहले वाले इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट निकालेंगे, दूसरे वाले इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट निकालेंगे, एंड दोनों का क्या लेंगे, हम लोग दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। देखो कभी भी क्वेश्चन पढ़ने का और सुनने का क्या पूछा है, हाँ यहाँ पे बोला है हमको x के वैल्यूज चाहिए, कौन से x के वैल्यूज चाहिए, ऐसे x के वैल्यूज जो पहला वाला इन इक्वेशन भी सैटिस्फाई करता हो एंड दूसरा वाला इन इक्वेशन भी सैटिस्फाई करता हो। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं, पहले वाले का सॉल्व करते हैं, ठीक है? लेट्स सॉल्व द फर्स्ट वन, कम ऑन। पहला क्या है, विच इज द फर्स्ट वन, मॉड एक्स माइनस वन, सबको समझ में आया हुआ है ना? ओके लवनीश ने जल्दी कर लिया, क्या हो गया इतना इजी कैसे? ओके बोले कौन से फॉर्म में बच्चा लोग, बोले कौन से फॉर्म में, नोट नंबर कौन सा, कौन से फॉर्म में ये मॉड ऑफ एक्स, ऐसा कुछ है मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए के फॉर्म में, चेक करो जरा क्या लिखना चाहिए इसका आंसर, बोलो क्या लिखना चाहिए इसका आंसर, माइनस थ्री, कम ऑन, लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, बोलो ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, कम ऑन एवरीवन प्लीज डू रिप्लाई क्विक। यस सर, यस सर, राइट आंसर। सुनना मुझे किसकी वैल्यूज चाहिए, मुझे किसकी वैल्यूज चाहिए, x की वैल्यूज चाहिए, बराबर है? बट x के बाजू मुझे यहाँ पे कौन दिख रहा है, x के बाजू मुझे यहाँ पे कौन दिख रहा है, यहाँ पे माइनस वन, तो माइनस वन को हटाएगा कौन, माइनस वन को कौन हटेगा, हटाएगा कौन, प्लस वन। तो थ्रू आउट द इनइक्वालिटी हम लोग क्या ऐड करते हैं, थ्रू आउट द इनइक्वालिटी हम लोग क्या ऐड करते हैं, प्लस वन ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, प्लस वन। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस वन लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस वन लेस देन इक्वल टू थ्री प्लस वन, बोलो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, कम ऑन, ये क्या हो जाएगा, माइनस टू लेस देन इक्वल टू एक्स इक्वल टू लेस देन फोर, है ना? तो मतलब एक्स बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल कॉमा
फोर बराबर ना, माइनस टू से लेके फोर तक सारे नंबर्स है इंक्लूडिंग माइनस टू इंक्लूडिंग फोर. तो पहला वाला आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो. पहला वाला पार्ट आ गया, सॉर्टेड है ये लोग. पहला वाला पार्ट आ गया, डन. अपने को इतना पता चल गया कि ठीक है ये आ गया. अभी किसको सॉल्व करना है बच्चा लोग? अभी सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व करना है. ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट. अभी देखो ये किसकी तरह रिजेंबल कर रहा है, मॉड एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन. ये मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए की तरह रिजेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू. अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स की जगह पे क्या है? यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है? एक्स माइनस वन है. कुछ नया नहीं है यहाँ पे, कुछ नया नहीं है. वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो क्या आएगा आंसर बोलो? या तो क्या आंसर आएगा, कम ऑन, क्या आएगा? एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन. Yes, less than equal to, ना x minus one less than equal to minus one. ठीक है, ओके. चलो अभी काम करो, ये माइनस वन को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग? माइनस वन को उधर भेज दोगे तो प्लस वन हो जाएगा. तो x क्या हो जाएगा? वन प्लस वन क्या हो जाएगा? वन प्लस वन टू हो जाएगा. तो x greater than equal to टू हो जाएगा. और कम ऑन, यहाँ पे माइनस वन जाके क्या हो जाएगा? प्लस वन. तो क्या हो जाएगा बोलो? एक्स इक्वल टू जीरो. अभी दोनों के बीच में क्या है बोलो? दोनों के बीच में क्या है? और है. और मतलब क्या होता है बच्चा लोग? और मतलब यूनियन है. क्या होता है यूनियन? मतलब हमको एक साथ लिखना है. आप थोड़ा लॉजिकली सोचो, यूनियन मतलब क्या? दस बच्चे बीस बच्चे, इनका यूनियन करना है. तो क्या करते हैं हम लोग? सारों को एक साथ लिखते हैं, है ना? ऐसा. तो यूनियन करना है, तो अभी इसका यूनियन करेंगे. देखो अभी कैसे. अभी आप थोड़ा लॉजिकली सोचो ना, इसको देखो, आपको अच्छी तरह समझेगा. बेसिकली ये क्या बोलता है यहाँ पे? x का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू टू. ग्रेटर देन इक्वल टू टू या टू से बड़ा? टू या टू से बड़ा बोलो, कहां तक जाएगा? टू या टू से बड़ा कहां तक जाएगा? कम ऑन, इन्फिनिटी. पॉजिटिव इन्फिनिटी. x का वैल्यू क्या है? टू या टू से बड़ा आगे तक जाएगा. कहां तक जाएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी. यानी क्या आएगा? टू से लेके टू पे क्लोज या ओपन? टू पे क्लोज या ओपन? क्लोज आएगा. टू से इनफिनिटी. ये हो गया ये वाला पार्ट. ये क्या बोलता है? एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो. लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब कहां पे बच्चा लोग? जीरो या जीरो से कम. जीरो या जीरो से कम यानी कहां से? माइनस इनफिनिटी. कहां तक? नेगेटिव इन्फिनिटी. मतलब क्या आएगा बोलो? क्या आएगा? मैं नेगेटिव इन्फिनिटी से दोनों के बीच में क्या आएगा? इन दोनों के बीच में क्या आएगा? यूनियन. दोनों के बीच में यूनियन. अभी ये वाला पार्ट, ठीक है, अभी ये वाला पार्ट किसका सोल्यूशन है? ये वाला पार्ट किसका सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है. तो अभी yes. दोनों का क्या करना है? दोनों का क्या करना है आपको गाइस? इंटरसेक्शन. दोनों का इंटरसेक्शन आराम से करने का, ठीक है, इसमें घाई नहीं करने का. यहीं पे हमारा रॉन्ग हो जाता है. हम यहाँ तक कर लेते हैं बट फिर रॉन्ग हो जाता है. देखो आराम से बनाने का, चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. पहले बड़ा वाला हमेशा बनाने का, ठीक है, ऑलवेज मेक द बिगर वन फर्स्ट, है ना? तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा. माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी. चलो बड़ा वाला कौन सा है? ये जीरो यहाँ पे. चलो कम ऑन, टू से लेके इन्फिनिटी. अच्छा टू पे कौन सा डॉट करूं? टू पे कौन सा डॉट करूं? ऐसा वाला करूं कि ऐसा वाला करूं? डार्क करूं? डार्क डार्क वाला, क्योंकि टू इंक्लूडेड है. ठीक है, टू से इन्फिनिटी, बढ़िया. ये लो यहां तक पहुंच गए, ये वाला हो गया. और कौन सा है इसमें? नेगेटिव इन्फिनिटी से. जीरो पे कौन सा? जीरो पे अगेन डार्क. डार्क डॉट, यस, जीरो इंक्लूडेड है. बढ़िया जा रहे हो गाइस. ये हो गया, ये किसका? ये वाला मार्क कर दिया मैंने. अभी दूसरा वाला भी मार्क करो. माइनस टू से फोर. अब बताओ माइनस टू कहाँ आएगा? आप बताओ माइनस टू कहाँ आएगा? जीरो के पहले. जीरो के पहले आएगा, है ना? अग्रीड. ये लो यहाँ पे मार्क कर दिया अप्रोक्स माइनस टू. फोर कहाँ आएगा? टू के बाद. फोर कहाँ आएगा? टू के बाद. ये लो अप्रोक्स मार्क कर लिया. अभी हम लोग ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, वो अलग कलर से शेड करते हैं, ठीक है, रेड से शेड करते हैं. चलो माइनस टू से फोर रेड से शेड करते हैं. चलो माइनस टू से फोर बताओ अभी कौन सा रीजन है वो जो ब्लैक में भी और रेड में भी है? कॉमन रीजन माइनस टू कॉमा जीरो टू कॉमा फोर. हाँ बट उसको इंटरवल के फॉर्म में बोलो. क्लोज्ड के ओपन. क्लोज्ड इंटरवल माइनस टू कॉमा जीरो. यस बराबर. यूनियन. हाँ क्लोज इंटरवल टू कॉमा फोर.
बढ़िया है ना। कॉमन रीजन मतलब क्या, ऐसा रीजन जो ब्लैक एंड रेड दोनों से शेडेड है, ब्लैक एंड रेड दोनों से शेडेड वाला, तो यही रीजन है। देखो ये वाला रीजन है कि नहीं है, एक ये वाला हो गया, ये वाला नहीं है, दिस इज नॉट देयर, बीच वाला नहीं है, और कौन सा है, ब्लैक एंड रेड से शेडेड है कि ये वाला है। तो -2 से 0, देखो -2 इंक्लूडेड है गाइस, -2 इज इंक्लूडेड। अगेन यहाँ पे मार्क कर रहा था मुझे डार्क, मैंने किया नहीं है, और यहाँ पे भी 4 को करना था। ठीक है, यूनियन क्या आएगा, यूनियन क्या आएगा, 2 से 4 फोर आएगा। क्या बोलते हो, व्हाट यू गाइस हैव टू से, इजी है कि टफ है? कम ऑन, इजी है। इजी, वाह, ठीक है। राइट, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू अप्लाई द फॉर्मूला, है ना, कैसे आप फॉर्मूला को अप्लाई करते हो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो कम ऑन, इसको अच्छी तरह फिनिश करो, फिर एक और करते हैं। हो गया तो मुझे बताना, लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम। गुड, डन सर, वेरी डन सर। गुड, आज मैंने बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, बट आप लोग का जेई का ये देख के बहुत मजा आ रहा है अभी। ठीक है, कम ऑन, लेट्स डू इट। बस कंटिन्यूस लेक्चर से ना, सो आई वाज अ बिट टायर्ड। अरे रिकॉर्ड कर दिया मैंने बच्चा, रुचित तेरे को भी करना है क्या? रिकॉर्डिंग चालू कर दिया मैंने वैसे, तो आपको मिल ही जाएगा, इफ यू वांट यू कैन डू इट, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप बोलो। ठीक है, मैं कर ही रहा हूँ वैसे तो रिकॉर्ड। ओके चलो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मजा आएगा अभी आपको। ठीक है, आराम से करेंगे। राइट, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, इसका चाहिए सोल्यूशन सेट। क्या चाहिए बच्चा लोग इसका? सोल्यूशन। लेस अब बताओ कौन से वाले की तरह रहे, किसकी तरह दिख रहा है, बोलो कौन से वाले देन दिख रहे। इक्वल, लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल नोट नंबर, टू नोट नंबर, नोट नंबर, टू मॉड एक्स, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए की तरह नहीं है, अग्री करते हो? मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू की तरह है, कौन जल्दी से बताओ, करेक्टली बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, इंटरेक्ट बोल रहा हूँ, बराबर है कि नहीं? करेक्ट, बराबर है, तो बोलो यस क्या यस लिखना चाहिए, व्हाट शुड राइट, व्हाट शुड राइट, माइनस माइनस सिक्स, सिक्स यस लेस देन लेस इक्वल देन टू, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 6। गुड। अभी मुझे एक्स स्क्वायर से पहले ना, एक्स स्क्वायर के बाजू में से पहले ये -10 को हटाना है, एक्स स्क्वायर के बाजू में से -10 को हटाना है, तो क्या करूँ, थ्रू आउट द इनइक्वालिटी क्या ऐड करूँ, थ्रू आउट द इनइक्वालिटी क्या ऐड करूँ, +10। क्यों? क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर के बाजू में से किसको हटाना है, ये -10 को हटाना है, तो -10 को हटाने के लिए +10 ऐड करता हूं, तो बोलो क्या आ जाएगा, -6 + 10 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर -10 + 10 लेस देन इक्वल टू, बोलो 6 + 10, बोलो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, क्या हो जाएगा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यहाँ पे क्या हो माइनस जाएगा, 4 हो माइनस जाएगा, 4 4 4 होएगा ना4 हीरो, 4 हो जाएगा4 ना, लेस देन इक्वल टू 6। अभी यहाँ पे घाई नहीं करने का, देखो ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन है क्या, मुझे बताओ, इज दिस इक्वेशन अवॉर्ड, क्या इक्वेशन है? नहीं, ये क्या है, ये एक इन इक्वेशन है ना, तो ऐसा आपको स्क्वायर रूट नहीं ले लेना है। देखो यहीं पे बच्चे रॉन्ग कर जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, चलो स्क्वायर रूट ले ले, 2 < 2x, ये गलत है, सीधा रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं करना है। अभी कैसे करना है इसको टैकल, देखो मैंने लास्ट टाइम आपको याद है इन इक्वेशन रीड करना सिखाया था, ऐसे टाइप का इन इक्वेशन रीड करना सिखाया था, इसको कैसे रीड करोगे, कम ऑन, 4 < 2x² एंड x² < 16, बराबर रीड किया कि नहीं किया? यस और नो? यस 4 < 2x² एंड एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी 16 से छोटा होना चाहिए, है ना, तो मतलब देखो मैंने क्या किया, ब्रेक किया, पहले ये वाले पार्ट को रीड किया, 4 < x² एंड एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 16, तो भी क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे, इसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, दोनों का क्या करेंगे बच्चा लोग, दोनों के सोल्यूशन सेट का क्या करेंगे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यूनियन इंटरसेक्शन के बीच में इंटरसेक्शन क्या है, दोनों के बीच में क्या है, देखो इधर इधर एंड इधर एंड, देखो अभी थोड़ा लॉजिकली सोचो, एक मिनट, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ 1 < 2x > 3, इसको रीड कैसे करोगे, आप खुद बताओ, आप क्या बोलोगे, 1 < 2x एंड x < 3, ऐसे रीड करोगे ना, कि और पढ़ते हो, और पढ़ते हो कभी, ये कभी और मैंने बताया, कभी और पढ़ोगे, ऐसा और नहीं आएगा बीच में, क्या आएगा, एंड आएगा, समझ रहे हो, भूलो मत ये चीज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन, इसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे, इसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे, और दोनों का क्या ले लेंगे, चलो दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, चलो इससे इजी प्रॉब्लम शायद ही मिले, ये +4 को उधर भेजो बच्चा लोग, +4 को उधर भेजो, क्या हो जाएगा, कम ऑन, +4
प्लस फोर की तरफ भेजेंगे तो माइनस फोर। अभी आपका फेवरेट मेथड आ रहा है, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस फोर को क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू इंटू माइनस टू एक्स माइनस टू है ना। इसको जरा सीधा लिखो ना यार गाइज, इसको जरा सीधा लिखते हैं, सीधा मतलब इसको पहले लिख देते हैं, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बोलो वेवी का ओके, तीनों मेथड सेटिस्फाई हो रहे कि नहीं हो रहे, तीनों कंडीशन बोलो याद है? yes, पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन राइट हैंड साइड पे जीरो, जीरो उसके बाद पावर पावर वन होना चाहिए, राइट है ना? बताया था नहीं बताया था? पावर yes, वन। एक्स का कोएफिशिएंट शुड बी, एक्स का कोएफिशिएंट शुड बी अगेन वन है ना। तो चलो वेवी कर्व से सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। कम ऑन बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? कम ऑन एवरीवन, टू एंड माइनस टू, माइनस टू एंड टू, पॉजिटिव इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी, प्लस माइनस प्लस। आपको क्या चाहिए आंसर? आपको क्या चाहिए? जीरो या जीरो से बड़ा चाहिए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए। मतलब कौन सा रीजन आएगा, कौन सा रीजन आएगा? माइनस इनफिनिटी से, माइनस इनफिनिटी से माइनस टू, माइनस टू एंड टू से इनफिनिटी। इनफिनिटी पे तो ओपन ही आने वाला है, इतना पक्का पता है। माइनस टू इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा? इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा? इंक्लूडेड होगा, इंक्लूडेड होगा, क्योंकि माइनस टू यहाँ पे पुट करने पे क्या आएगा? माइनस टू यहाँ पे पुट करने पे क्या आएगा? इक्वल टू जीरो आएगा, और अपने को इक्वल टू जीरो चाहिए। देखो यहाँ पे इक्वल टू जीरो इंक्लूडेड होगा, टू होगा कि इंक्लूडेड होगा सर? इंक्लूडेड यस होगा। बोलो सच्ची में समझा है कि नहीं समझा है? समझा सर। I want everyone to reply. बाकी लोग कौन सा निकालेंगे अभी? अभी कौन सा पार्ट बाकी है? एक ही निकाला मैंने तो एक ही निकाला है, बचा हुआ कौन सा अभी? Come on everyone. अब कौन सा पार्ट बाकी है? Sir, x square minus six. Yes. इसको क्या करोगे? इसको कहाँ लेके जाओगे? Left side पे लेके जाओ। X square minus six less than equal to zero. Come on. Try करो आगे क्या होगा? Everyone. X plus four x minus four. Yes. x plus 4 into x minus 4 less than equal to 0. अरे इसको कैसे सॉल्व करते हैं? मुझे तो नहीं आता, आपको आता है क्या? कैसे सॉल्व करते हैं इसको? So Wavy-Curve method. Come on. Yes. 4 comma minus 4 are the critical points. Very good. 4 and minus 4 are the critical points. चलो यहाँ पे minus 4, 4 लिख दिया. Negative infinity and positive infinity. Negative. हाँ बोलो, नेगेटिव चाहिए तो बोलो क्या रीजन आएगा? क्लोज्ड आएगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको माइनस फोर भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस फोर को जब यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस फोर प्लस फोर कितना आएगा? जीरो। जीरो इंटू समथिंग है, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, तो जीरो चाहिए ऐसे भी आपको, जीरो वैसे भी चाहिए आपको, लेस देन इक्वल टू जीरो चाहिए, तो बराबर दोनों भी इंक्लूड होगा। अब ये वाला सोल्यूशन एंड ये वाला सोल्यूशन, दोनों का क्या करोगे? दोनों का क्या इंटरसेक्शन? क्या आप लोग मुझे इंटरसेक्शन निकाल के बता सकते हो? सबको आता है इंटरसेक्शन निकालने? एवरीवन सर, क्लोज इंटरवल माइनस फोर कॉमा माइनस टू, यूनियन क्लोज इंटरवल टू कॉमा फोर। वाव यार, क्लोज इंटरवल माइनस फोर कॉमा माइनस टू, यूनियन टू कॉमा फोर, ऐसा बोल रहे हो सर? क्लोज इंटरवल टू कॉमा फोर, क्लोज ही लिखा है ना? क्लोज ही तो है। अच्छा हाँ ठीक है सर, है ना? देख लो यही बोल रहे हैं लोग, मुझे तो नहीं पता, चेक कर लो यही है क्या? आप सब लोग चेक करो, मैंने तो निकाला नहीं है। हां सर यही है, मेरे को तो लगता है ये लोग सब सही बोल रहे हैं। यस सर यही आ रहा है। वेरी गुड, क्या बात है, देखो आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, फटाक से सीख गए। ठीक है, इसको कर दिया ब्लैक में शेड, इसको ब्लैक में शेड। अरे माइनस फोर किधर आएगा? अरे माइनस फोर किधर आएगा बोलो? माइनस टू के पहले, बराबर है? चलो इसको कर दिया रेड में शेड, ये लो कर दिया। अरे ये प्रीवियस वाले की तरह ही हो गया ना कुछ, थोड़ा बहुत? यस सर, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, थोड़ा, वैसे ही कुछ हो गया, बराबर। ये लो हो गया, अरे माइनस फोर टू माइनस टू, टू टू फोर, बढ़िया। कैसा था, इजी था क्या माय डियर स्टूडेंट्स लोग? इजी था सर। यस ठीक है, चलो तो थोड़ा सा भी मॉड्यूलस आपको ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जा रहे हो।
चलो अभी है ना कुछ और बताता हूँ आपको, ठीक है? लेट्स ट्राई आउट फ्यू मोर प्रॉब्लम्स, है ना, 3-4 प्रॉब्लम्स और कोशिश करते हैं हम लोग, मजा आएगा, ठीक है? Come on, let's do it. अच्छा, मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड अगर पॉजिटिव नंबर रहेगा तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया था कि नहीं दिया था आपको, बताओ, पहले लेक्चर में? सर, दिया था, फर्स्ट लेक्चर, है ना? मैंने ऐसे बोला था ना कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड स्क्वायर ऐसे ही रैंडमली नहीं कर सकते हो, जब आपको पता हो कंफर्म कि दोनों साइड अगर पॉजिटिव नंबर हो तो ही आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। आपको एक छोटा सा रीजन बता दो, एक देखो, एक छोटा सा रीजन, सपोज अभी मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, 2 इज लेस देन 3, अब बोलो ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, अरे फॉल्स है, ट्रू है सर, 2 इज लेस देन 3 ये तो सही है ना? यस यस सर, बराबर कि नहीं? ये तो सही है, दिस इज ट्रू, बट दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं? दोनों साइड पॉजिटिव है, यस सर, है ना? स्क्वायर करोगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चेक कर लो, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 लेस देन 9 आएगा, बराबर है, 4 लेस देन 9 आएगा, चेक कर लो, है ना? बट अभी आप नेगेटिव नंबर के केस में देखो, नेगेटिव नंबर के केस में देखो क्या हो रहा है, अभी मुझे बताओ क्या हो रहा है, माइनस 2 है ना, और यहाँ पे माइनस 2 बड़ा है माइनस 3 से, यस सर, बट अभी आप अगर अभी आप स्क्वायर करते हो, अगर आप स्क्वायर करते हो तो देखो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना? तो ये सब ये वाला पार्ट आपको करना नहीं है, बाय द वे ये वाला पार्ट आपको करना नहीं है, मैं जस्ट आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको बस स्क्वायर तभी करना है जब आप पक्का आपको पता हो कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव नंबर ही है, फॉर श्योर, उसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर या किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप स्क्वायर नहीं कर सकते हो, ये याद रखना। चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता चलेगा क्या है दूसरा एक बार। चलो सब लोग नोट लिखो, एक नोट लिखो, एवरीवन राइट डाउन वन नोट, सब लोग नोट लिखो। अभी नोट क्या है, व्हाट इज द नोट? नोट है कि मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर इज सेम एज ए स्क्वायर, ठीक है? मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर इज सेम एज ए स्क्वायर, ठीक है? आपको याद रखना है। अभी ये क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अभी आप देखो, मॉड ऑफ 3 का स्क्वायर करोगे ना, मॉड ऑफ 3 का स्क्वायर इट इज सेम एज 3 का स्क्वायर, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी प्रॉपरली? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यस सर। मॉड ऑफ 3 का स्क्वायर करो, इट इज सेम एज 3 का स्क्वायर। अब देखो कैसे आप बोलोगे, सर ये क्या बोल रहे हो आप? देखो बेसिक, एकदम बेसिक चीज है, मॉड ऑफ 3 का स्क्वायर मतलब क्या, मॉड 3 इंटू मॉड 3, अग्री करते हो कि नहीं करते हो? मॉड ऑफ 3 का स्क्वायर मतलब क्या, मॉड 3 इंटू मॉड 3, बराबर ना रे? सही बोला ना मैंने? यस सर। मॉड 3 कितना होता है बोलो, मॉड 3 कितना होता है, 3 होता है, मॉड 3 कितना होता है, 3 होता है, तो अल्टीमेटली क्या है बोलो, अल्टीमेटली क्या आया बोलो, 3 स्क्वायर आया कि नहीं आया, अग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या, ए स्क्वायर। अगर आपको कहीं कोई ऐसा बोलता है मॉड ऑफ माइनस 3 द होल स्क्वायर, तो ज्यादा सोचने का नहीं, इसका आंसर क्या आएगा डायरेक्टली, इसका आंसर डायरेक्टली क्या आएगा, 3 स्क्वायर विच इज 9। समझ में आ रहा है सर? कैसे आया ये मॉड ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर मतलब क्या, मॉड ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर मतलब क्या, मॉड ऑफ माइनस 3 इंटू मॉड ऑफ माइनस 3, बराबर बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, खुद ही बोलो, ए स्क्वायर क्या होता है, बेसिक मैथ बताओ, ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए होता है कि नहीं होता है? तो किसी मॉड ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, मॉड ऑफ माइनस 3 इंटू मॉड ऑफ माइनस 3, मॉड ऑफ माइनस 3 कितना होता है, मॉड ऑफ माइनस 3 कितना होता है, 3 होता है, कितना होता है ये, 3 होता है, 3 इंटू 3 कितना, 3 स्क्वायर है कि नहीं, बराबर कि नहीं? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है आपको, ठीक है? तो ये वाला पार्ट नोट में लिखो। अभी देखो कितना इजी सम है, ठीक है? ओके चलो, आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन, सब लोग ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है, जस्ट अ मिनट गाइस। कैसा लग रहा है आपको, थोड़ा सा ट्रिकी मैसेज हो रहा है कि फिर ओके ओके सर, मैनेजेबल है? यस सर, ठीक है। जेई में बच्चे कम हुए क्या, पहले तो बहुत ज्यादा होते थे, अभी बहुत कम आने लग गए ना, प्रीवियसली देयर वर मेनी स्टूडेंट्स राइट, ऐसा कुछ था ना रे, अभी तो पता ही बहुत कम हो गए, ऐसा फील हो रहा है मेरे को, क्या बोलते हो?
इतने स्टूडेंट्स होते हैं क्या? 27 ही आज तो क्राउड बहुत ज्यादा कम है. चलो ऑडिबल बच्चा लोग आवाज आ रही है अभी? यस सर. ओके, हमको ये इन इक्वेशन का क्या चाहिए? सॉल्यूशन सेट चाहिए. क्या चाहिए जल्दी से बोलो? सॉल्यूशन सेट. देखो मैं आपको अभी ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, बट आपको एग्जाम में ऑप्शंस होंगे, टेंशन मत लीजिए. अभी ध्यान से सुनना, नोट में आपने एक फॉर्मूला तो ऐड कर दिया है. क्या है नोट का पहला फॉर्मूला? क्या जल्दी से बोलो? मॉड ऑफ अल्फा होल स्क्वायर इज सिंपली ए स्क्वायर. ठीक है, अभी दूसरा फॉर्मूला. ठीक है, आप जो भी फॉर्मूला में देते हो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, खुद से कर सकते हो. देखो दूसरा फॉर्मूला है मॉड ऑफ ए अपॉन बी. मॉड ऑफ ए अपॉन बी इज सेम एज मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी. ठीक है, मॉड ऑफ ए अपॉन बी सेम एज मॉड ए अपॉन मॉड बी. ठीक है, आपको वेरीफाई करना तो कर सकते हो, यू कैन चेक. यू वॉन्ट मी टू वेरीफाई? आप चाहते हो मैं वेरीफाई करूं तो वेरीफाई कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है. Yes, sir. देखो सिंपल सा एग्जाम्पल लेके करते. देखो सिंपल सा एग्जाम्पल, सपोज मैंने लिखा मॉड ऑफ माइनस सिक्स बाय टू. ठीक है, मॉड ऑफ माइनस सिक्स बाय टू, बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर क्या आना चाहिए आप बोलो? कितना आना चाहिए? मॉड ऑफ कितना? माइनस थ्री. अग्री? मॉड ऑफ माइनस थ्री कितना आएगा? मॉड ऑफ माइनस थ्री कितना आएगा? मॉड ऑफ माइनस थ्री थ्री, है ना? आपने पता बता दिया कि इसका आंसर थ्री आ रहा है. अभी इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते. दिस इज ऑल्सो सेम एज, बोलो, दिस इज ऑल्सो सेम एज माइनस सिक्स अपॉन मॉड ऑफ माइनस सिक्स अपॉन मॉड ऑफ टू, है ना? मॉड ऑफ माइनस सिक्स अपॉन मॉड ऑफ टू. मॉड ऑफ माइनस सिक्स कितना? मॉड ऑफ माइनस सिक्स कितना? सिक्स. मॉड ऑफ टू कितना? टू. क्या आंसर है देखो जरा, क्या आंसर है देखो? थ्री. देखो ये और ये आंसर सेम दे रहे कि नहीं दे रहे? देखो ये ए मॉड ऑफ ए अपॉन बी है और ये मॉड ए अपॉन मॉड बी है, चेक करो जरा बराबर कि नहीं बराबर. तो ये और ये सेम ही दे रहा है आंसर, मतलब क्या दोनों इक्वल है. ठीक है, कोई आपको डिराइव करने बोलेगा नहीं, आपको बस याद रखना है. ठीक है, तीसरा फॉर्मूला याद रखोगे, तीसरा फॉर्मूला. तो थर्ड फॉर्मूला इज मॉड ऑफ ए इनटू बी. कोई गैस मार सकते हो मॉड ऑफ ए इनटू बी का आंसर? एनीबॉडी यू कैन गैस, ट्राई मार सकते हो? मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी. यस, मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ बी. ठीक है, इसको याद रखिएगा. परफेक्ट. तो बोलो क्या आएगा? मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई कितना? मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई कितना? मॉड एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई. ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन था. चलो ये चार प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, दो तीन, इनफैक्ट तीन ही है. अब देखो इसका सॉल्यूशन सेट करते हैं. ठीक है, कम ऑन लेट्स स्टार्ट. रेडी एवरीवन? ओके, अभी मुझे बताओ ये कौन से किसकी तरह दिख रहा है? जल्दी से बोलो, क्या मॉड ऑफ ए अपॉन बी की तरह नहीं दिख रहा है? सब लोग बताओ के मॉड ऑफ ए अपॉन बी की तरह नहीं दिख रहा है? क्या आंसर आना चाहिए? क्या आंसर आना चाहिए? एवरीवन रिप्लाई, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2. अभी ध्यान से सुनना, ठीक है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ये इनइक्वेशन, ये जो इनइक्वेशन है इसके डिनोमिनेटर में कौन है? जल्दी से बताओ इस इनइक्वेशन के डिनोमिनेटर में कौन है? LHS के डिनोमिनेटर में कौन है? x माइनस 1. अब मुझे बताओ क्या कभी भी x इक्वल टू 1 इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन सेट में आएगा कि नहीं आएगा? कभी भी x इक्वल टू 1 इस इनइक्वेशन के सॉल्यूशन सेट में आएगा? नहीं, नहीं आएगा. अग्री करते हो कि नहीं करते हो? देखो yes. हमेशा आपको पहले क्वेश्चन को देखना है अच्छी तरह, फिर यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया कि हाँ इनइक्वेशन के डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है? मॉड ऑफ एक्स माइनस वन है ना. तो अगर मैं एक्स की जगह पे अगर वन डालता हूँ, एक्स की जगह पे वन डालता हूँ, तो नीचे क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? फिर वन डाला तो जीरो आ जाएगा, है ना. तो आपका LHS क्या होगा? LHS आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा. कौन से वैल्यू ऑफ एक्स पे? कौन से वैल्यू ऑफ एक्स पे एग्जिस्ट नहीं करेगा? एक्स इक्वल टू वन पे करेगा. तो अभी आप स्टार्टिंग से ही बोल देते हो, आप स्टार्टिंग से ही आप बोल देने का कि x equal to 1 will not be the part of solution, will not be the part of solution, यानी वो solution में include होगा ही नहीं. कौन include नहीं होगा? कौन include नहीं होगा? x equal to 1. समझ में आ रहा है क्यों नहीं होगा? स्टार्टिंग से ही बता दिया है, क्योंकि अगर 1 put किया तो denominator में क्या आ जाएगा बच्चा लोग? Denominator में आ जाएगा 0 आ जाएगा, will not be part of solution. Okay, इतना आपने पहले से ही बता दिया. अब देखो मुझे बताओ, मुझे बताओ आपने क्या बोला है? x का वैल्यू 1 कभी नहीं होगा. मुझे बताओ
तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव है कि नहीं, आप मुझे बताओ क्या ये वाला पार्ट पॉजिटिव है कि नहीं? यस मॉड के अंदर आप जिसको भी डालते हैं वो आपको क्या करके देता है? मॉड के अंदर आप जिसको भी डालते हैं वो क्या करके पॉजिटिव देगा आपको? तो आपको पता चल गया कि ये वाला नंबर क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन क्या है, पॉजिटिव है। अग्री पॉजिटिव करते हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। देखो अगेन मुझे पता है कि ये जो नंबर क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन क्या है, पॉजिटिव है। ये जीरो क्यों नहीं है बोलो, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन जीरो क्यों नहीं है? एक मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। ऑडिबल चलो, यस सर तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। बच्चा लोग ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वन जीरो होगा क्या कभी बताओ? ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वन कभी जीरो होगा? नो कभी सर जीरो नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोल दिया, एक्स का वन वैल्यू कभी नेगेटिव वन नहीं होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू वन होने पे ये वाला पार्ट क्या होगा, एक्स का वैल्यू वन होने पे ये वाला पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। बराबर जीरो है, बट मैंने बोल दिया है यस स्टार्टिंग में कि एक्स इक्वल टू वन कभी हो ही नहीं सकता। तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं आप खुद ही बताओ, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? कम ऑन, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। दिमाग में बात जा रही है कि नहीं जा रही है, जल्दी से बताओ, यस और नो? ये और ये कैंसिल, अग्रीड? यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? कम ऑन एवरीवन शुड रिप्लाई। यस ओके ओके यस परफेक्ट, सर अच्छा ओके ओके समझा ना? एकदम डिटेल सोल्यूशन जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। कोई भी चीज आपको अगर प्रॉब्लम दे रही है तो तुरंत बताओ, सर ये वाला पार्ट नहीं समझा, ये क्यों आया, वो क्यों आया, पूछने का। सर अगर एक्स की वैल्यू -1 हुई तो डिनोमिनेटर पे यस तो क्या फर्क पड़ता है ना, एक्स के वैल्यू माइनस होने तो कितना हो, तो खुद थोड़ी जीरो देगा। हाँ राइट 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 समझा समझा होगा ठीक है राइट? यस देखो मैं वापिस एक बार सोल्यूशन बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले इतना सा पार्ट समझा है कि यहां तक सब लोगों को क्लियर है क्या किया यस हाँ है ना? यस सर ओके अब मुझे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी एक्सप्रेशन है मॉड ऑफ टू एक्स माइनस वन, क्या ये पॉजिटिव है? अग्रीड और नॉट अग्रीड? यस सर अब लोग कैसे सर, अरे मॉड के अंदर आप कुछ भी डाल के लो वो आपको हमेशा क्या करके देता है? मॉड के अंदर आप कुछ भी डाल के लो पॉजिटिव आपको पॉजिटिव करके देगा। ओके लेफ्ट हैंड साइड आपने बोला पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में टू क्या है, राइट हैंड साइड में टू क्या है, पॉजिटिव है। ये वाला पार्ट क्या है, कम ऑन, ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो आपको इतना पता चल गया कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड क्या है, इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इनइक्वालिटी के दोनों साइड अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड क्या कर सकते, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कैन वी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स? यस वी कैन स्क्वायर। इनइक्वालिटी भी स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं होगा, चलेगा, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो बोलो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर ग्रेटर देन फोर इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का स्क्वायर। पहुंच गए यहां तक एवरीवन? ओके अब मैंने आपको कुछ बताया बच्चे लोग, मैंने आपको कुछ बताया, क्या बताया, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इज सेम एज, बोलो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इज सेम एज ए स्क्वायर मॉड ऑफ टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर इज सेम एज मॉड ऑफ टू एक्स टू एक्स माइनस वन का माइनस वन स्क्वायर। एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर माइनस वन द होल स्क्वायर ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं है सिर्फ ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन बोलो क्या आएगा, फोर इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। बोलो एक्सपांड करना आएगा कि नहीं आएगा एवरीवन? क्वेरी यस बोलो क्या आ यस जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो मिडिल टर्म, बोलो मिडिल टर्म क्विक, फोर फोर एक्स एक्स माइनस एट एक्स प्लस फोर एक्स ना, फोर एक्स फोर ना, एक्स हाँ प्लस वन, प्लस वन ग्रेटर देन फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस टू एक्स प्लस वन फोर फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन ग्रेटर देन बोलो एक्स फोर एक्स स्क्वायर। माइनस एट एक्स प्लस वन फोर बोलो क्या कैंसिल हो रहा है, दोनों साइड क्या कैंसिल हो रहा है, फोर एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर
चलो इसको यहाँ भेज दो बच्चा लोग, इसको यहाँ भेज दो, माइनस एट एक्स उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस एट एक्स उधर आके फोर एक्स प्लस एट एक्स, तो फोर एक्स आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा तो थ्री। हाँ बोलो दोनों साइड किससे डिवाइड करो, दोनों साइड किससे डिवाइड करो, फोर से, फोर से। बताओ सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन थ्री बाय फोर, एक्स ग्रेटर देन थ्री बाय फोर मतलब क्या, एक्स ग्रेटर देन थ्री बाय फोर मतलब क्या, कम ऑन, ओपन ब्रैकेट थ्री बाय फोर कॉमा इनफिनिटी बराबर, ओपन इंटरवल थ्री बाय फोर टू, ओपन इंटरवल थ्री बाय फोर टू इनफिनिटी, समझ में आ रहा है, थ्री बाय फोर से ज्यादा है, थ्री बाय फोर से ज्यादा है तो कहां तक जाओगे, इन्फिनिटी, यहाँ पे ये वाला सर्कल आएगा, थ्री बाय फोर इंक्लूडेड नहीं है, थ्री बाय फोर से इन्फिनिटी। बोलो समझा कि नहीं समझा, एवरीवन लुक एट द सॉल्यूशन प्रॉपरली, सब लोग कोई घाई नहीं करे, पहले स्टेप में क्या अप्लाई किया है, पहले स्टेप में क्या अप्लाई किया है, दोनों को मॉडल्स दिया ऊपर नीचे, दोनों को मॉडल्स दिया, उसके बाद कहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंच गए हम लोग, यहां तक, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, एक्स इक्वल टू वन, ओके देखो यहाँ पे अपने को एक चीज गड़बड़ हो गई हमारे से, देखो आपने भी ध्यान नहीं दिया और हमको ध्यान देना है, ये सोल्यूशन हमारा रॉन्ग है, बताओ ये सोल्यूशन क्यों रॉन्ग है, कौन बताएगा, दिस इज रॉन्ग, एक गड़बड़ हो गई है, बताओ कौन बताएगा मुझे, देखते हैं किसका माइक चालू है, किसका माइक चालू है। सर आपने वो माइनस टू माइनस एट एक्स लिया क्या? हाँ वो माइनस, वो बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एट एक्स उधर आके प्लस है, वो सब ठीक है, ये भी बराबर है, बट फाइनल सोल्यूशन में कुछ गड़बड़ है, बताओ क्या गड़बड़ है, आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, एक चीज पे ध्यान ही नहीं दिया आपने, बोलो कौन बताएगा मुझे, क्रिटिकल पॉइंट, वो भी सब ठीक है, वो भी सब ठीक है, कुछ बताओ सोल्यूशन सेट क्या है, थ्री बाय फोर से इन्फिनिटी, अग्रीड, थ्री बाय फोर से इन्फिनिटी पूरा सोल्यूशन सेट है यहाँ से यहाँ तक, बट मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में बोला था कि एक्स इक्वल टू वन कभी भी सोल्यूशन का पार्ट नहीं रहेगा, बोला था कि नहीं बोला था, सोल्यूशन सेट में कभी इंक्लूड नहीं होगा, बट थ्री बाय फोर से इन्फिनिटी के बीच में वन भी आता है ना, थ्री बाय फोर के बीच में वन भी आता है, तो थ्री बाय फोर से इन्फिनिटी में ये जो वन है, ये जो वन है उसको इंक्लूड करना है क्या, No. नहीं, नहीं करना है, इसको हटाना पड़ेगा, ये नहीं चाहिए, कैसे तो, दो तरीके से लिखने को सिखाया, सेमी लेफ्ट ओपन थ्री बाय फोर कॉमा वन यूनियन ऑफ सेमी ओपन इंटरवल इन्फिनिटी कॉमा वन, ओपन इंटरवल ही बोल सकते हो, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल वन कॉमा इन्फिनिटी, बताया था कि नहीं बताया, सिखाया कि नहीं सिखाया, थ्री बाय फोर से इन्फिनिटी के बीच में वन को निकालना है, तो आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, वन को इंक्लूड नहीं करोगे, एंड फिर वन के बाद से इन्फिनिटी तक जाओगे, या फिर दूसरा भी एक तरीका बताया था, माइनस बाय फोर से इन्फिनिटी माइनस वन सिंपल सिंगलटन वन, सिंगलटन वन, बोले ये बताया था कि नहीं बताया था, डेटा टीच यू ऑन, है ना, सो ये सोल्यूशन अगर आप मार्क करके आ गए, ये वाला जो अभी सर्कल करते जा रहा हूं मैं, तो आप मनी मन तो खुश हो गए, पर अल्टीमेटली क्या है वो आंसर, अल्टीमेटली वो आंसर रॉन्ग है, देखो है ना, तो आपको ध्यान देना है भैया, चार मार्क के लिए समाता है, गड़बड़ नहीं चाहिए, ठीक है, मैं आपको दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अच्छी तरह ये सम को देखो, एग्जैक्टली डिट्टो सम मैं आपको देने वाला हूँ, कर पाओगे, विल यू ऑल बी एबल टू डू इट, एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी किट, ठीक है, मैं चलो एक बार देख लो, मैं क्वेश्चन दे दू आपको, क्वेश्चन दे दू, ट्राई करोगे, yes, चलो कम ऑन, लेट्स सी हु गिव्स मी द करेक्ट आंसर, ठीक है, चलो ओपन चैलेंज है, मुझे तो लगता है आप लोग कर ही लोगे, देखते अभी कितने लोग इसको कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट, इधर गया क्वेश्चन, चलो ये रहा क्वेश्चन, एक मिनट है गाइस, एक मिनट, दिस इज द क्वेश्चन, एक हिंट दे देता हूँ, इसका एलसीएम ले लेना पहले, ठीक है, एलसीएम ले लेना, फिर आप प्रोसीड करना अपना सबका, इसका मेरे को चाहिए सॉल्यूशन सेट, एवरीवन ट्राई, Thank you.
अरे आंसर आ रहा है क्या रे? चलो सर मैंने चैट में डाला है। ओके ओके देखता हूँ, रुको आई विल चेक whether your answer is correct or not, just a minute। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। Shall I wait, guys? अरे बाकी लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अच्छा लोग, आर यू गाइस ट्राइंग माय डियर स्टूडेंट्स? मैं स्टार्ट करूं क्या? एक बार वापस चेक करो। yes, sir, नहीं ओके okay, चलो मैं वेट करता हूँ। बाकी लोग एक बार निकल वापस चेक करो, चेक इट वंस अगेन। हाँ निखिल, उसको और एक तरीके से लिखो, बराबर है अभी। गुड, वेरी गुड, यू आर राइट। यस लवनीश, तुम भी वही राइट द सेकेंड वे। दूसरा जो तरीका बताया लिखने का वो लिखो। गुड, वेरी गुड निखिल, करेक्ट है अभी।
चलो स्टार्ट करूं क्या रे बच्चा लोग कि रुको और वो टाइम ले रहे हो आप लोग तो स्टार्ट कर दो गुड व्हाट अबाउट गर्ल्स बच्चा लोग यस सर डन ओके मेरे को आंसर ही लोग ऐसा बोल रहे हैं कुछ माइनस ओपन इंटर माइनस वन कॉमा जीरो यूनियन जीरो कॉमा थ्री ऐसा कुछ आंसर बोल रहे हैं लोग या फिर ये बोल रहे हैं ये आंसर है क्या यस सर वही है ओके क्या क्या फटाक से बोलो मॉड ऑफ थ्री प्लस एक्स अपॉन मॉड ऑफ थ्री प्लस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन टू आपको क्या पता है आपको क्या पता है एक्स का वैल्यू कौन सा नहीं होना चाहिए एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए कम ऑन एट द स्टार्ट ही आपने बता देना है एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर नीचे अगर जीरो आ गया एक्स की जगह पे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो स्टार्टिंग में बता दिया एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होगा ठीक है अभी इसको क्या करो प्रॉपर्टी कम ऑन ये टू ये मॉड एक्स को उधर भेजो कम ऑन क्या हो जाएगा बोलो एल एच एस और आर एच एस दोनों पॉजिटिव है कि नहीं अग्री करते हो कि नहीं करते हो एल एच एस आर एच एस दोनों पॉजिटिव क्या करोगे व्हाट यू गाइस विल डू यू गाइस विल स्क्वायर करेक्ट है स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो मॉड ऑफ थ्री प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन फोर इंटू बोलो आपको एक और प्रॉपर्टी बताया हुआ है थ्री प्लस एक्स द होल स्क्वायर ग्रेटर देन फोर एक्स स्क्वायर बोलो इजी है कि टफ है अभी बोलो कम ऑन क्या हो जाएगा कम ऑन इसको सॉल्व करते क्या आएगा नाइन प्लस कितना रहे नाइन प्लस प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन फोर एक्स स्क्वायर करेक्ट है एक क्या करो सबको भेजो ऑन द लेफ्ट साइड राइट साइड पे भेजो क्या हो जाएगा बोलो जीरो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या चेक करो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन एम आई करेक्ट और इनकरेक्ट ओके किससे डिवाइड करूं मैं देखो कौन से नंबर से डिवाइड करूं ताकि थोड़ा सा और छोटा हो जाए कौन से नंबर से डिवाइड करूं थ्री से डिवाइड करने पे कोई फर्क पड़ेगा क्या कोई फर्क पड़ेगा इनइक्वालिटी में सर फर्क नहीं पड़ेगा ना थ्री से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड करते तभी चेंज होएगा ना यस क्या आएगा इसके फैक्टर्स मुझे बताओ यार फैक्टर्स मुझे नहीं पता चल रहा है बताओ व्हाट आर द फैक्टर्स कम ऑन एवरीवन फैक्टर्स क्या होंगे थ्री बन जा सर माइनस थ्री एक्स ऑडिबल 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 राइट 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 या डायरेक्टली बोलो ना फैक्टर्स क्या लिखो एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन बोलो रे इसका क्रिटिकल पॉइंट्स बोलो माइनस वन एंड यहाँ पे थ्री पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बोलो बच्चा लोग क्या आंसर आएगा कौन सा आपने वो क्या चाहिए आंसर आंसर क्या चाहिए ओपन ओपन इंटरवल माइनस वन कॉमा थ्री बट माइनस वन कॉमा थ्री के बीच में तो जीरो भी आता है ना माइनस वन से थ्री के बीच में जीरो भी आता है बट क्या जीरो को इंक्लूड करना है क्या अपने को क्या जीरो को इंक्लूड करना है नहीं करना है माइनस वन से थ्री के बीच में जो जीरो है उसको निकाल दो फेंक दो उनको तो जीरो को निकाल देंगे तो क्या आएगा माइनस वन से जीरो जाएंगे यूनियन जीरो से थ्री जाएंगे क्या बोलते हो इजी है कि टफ है व्हाट यू गाइस आर टू से इजी है सर राइट है ना तो ये हुई ना बात क्या चलो बढ़िया करते हैं एक और प्रॉब्लम देखते हैं अभी कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो मुझे तो लगता है कर लोगे आप लोग लेट्स सी हाउ यू गाइस टैकल दिस देखते हैं थोड़ा सा मेरे को लग रहा है ट्रिकी हो सकता है आपके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू वन greater than equal to 1 yes iska solution set kiya try karoge bachcha log will try everyone come on try karo isko theek hai come on everyone
आप लोग को ऐसा लग रहा है कि फोर्थ पावर आने वाला है, फोर्थ पावर आ रहा है, ऐसा कुछ फील हो रहा है आपको? नहीं सर। अच्छा नहीं आ रहा तो फिर फील नहीं हो रहा तो अच्छी बात है फिर तो, मतलब आप लोग अच्छा ब्रेन यूज कर रहे हो। क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? नॉट डिफाइन हो जाएगा। गुड, अब देखो क्या करोगे अभी दोनों साइड क्या करोगे, वेयर करोगे। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा कैच है ना, देखो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ 25 x square, बराबर है ना, मॉड ऑफ, या फिर ऐसा लिखो रुको आपको नहीं जमता है तो रुको प्रॉपर लिख के बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ऐसा मत लिखो, क्या लिखोगे, मॉड ऑफ 5x का होल स्क्वायर, मॉड हटा दो क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5x का होल स्क्वायर। अब देखो सुनो, अभी यहाँ पे वो इसको एक्सपांड ऐसे मत करो, देखो अभी देखो यहाँ पे आप a प्लस b तो होल स्क्वायर करोगे तो x रेज़ टू 4 आएगा कि नहीं आएगा, आप खुद बताओ x रेज़ टू 4 आएगा कि नहीं आएगा। वो अवॉइड करने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, देखो वो कैसे अवॉइड करोगे आप, देखो क्या इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, ये प्लस 5x स्क्वायर को उधर भेजो जरा क्या हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, देखो तो x square plus 6 the whole square हो जाएगा, minus 5x the whole square. देखो अग्री करते हो ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ये प्लस को उधर भेज दे माइनस हो जाएगा। अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a square minus b square हो रहा है, तो a square minus b square तो आपको आता है, बोलो क्या हो जाएगा, a square minus b square a plus b, देखो ये सही लिखा है a plus b into कितना, into कितना, a minus b minus b, बोलो ये यहाँ तक देखो अच्छी तरह समझ के लो जरा, ये वाला पार्ट दिमाग पर गया कि नहीं, एक बार जरा फिट करो दिमाग में, इसको जरा लिखो जरा कैसा आएगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मैंने सीधा लिखा x स्क्वायर के बाजू में 5x को लिख दिया, इधर बोलो गाइस इधर बोलो कितना, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस, बढ़िया। अभी तो यार आपका ब्रेड एंड बटर वाला काम है यार, ये तो आपको आता है, इसको कैसे करोगे, कम ऑन गाइस, ये क्या है, फैक्टर्स बोलो, फैक्टर्स बोलो, x इज इक्वल टू x प्लस 2 x plus 2 into, come on, factors bolo, x plus 2 into, plus 3 and plus 2, very good, idhar bolo re idhar, x minus 2 into x minus 3, correct bola, very good, ab mujhe batao, ye solve karna koi difficult kaam hai, you guys only tell me, is it difficult here, no sir, ye sab milega aapko wavy ko method se solve karna hai, kitne critical points hai aapke samne, char hai, सबसे छोटा कौन सा है रे, विच इज द माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस माइनस टू एंड थ्री, पॉजिटिव इनफिनिटी नेगेटिव इनफिनिटी, क्या डालोगे साइन राइट मोस्ट साइड, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए आंसर, आपको आंसर क्या चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा चाहिए, तो कौन सा रीजन, पहला रीजन कंसिडर होगा, फर्स्ट रीजन होगा, फिर उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, माइनस टू कॉमा टू, ये भी और माइनस इनफिनिटी कॉमा, बराबर, चलो लिखते हैं, माइनस इनफिनिटी से माइनस थ्री, उसके बाद माइनस टू से टू, अग्री ना, माइनस टू से टू जाएगा कि नहीं आएगा, यस यस, उसके बाद माइनस टू से टू, उसके बाद
थ्री से इनफिनिटी, चलो माइनस इनफिनिटी और इधर तो ओपन आने वाला है, माइनस थ्री को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, माइनस थ्री को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, ये सुनो मेरे रिप्लाई दो, करना है करना है, क्योंकि माइनस थ्री पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा आंसर, एक्स की जगह पे माइनस थ्री पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, है ना, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, तो अल्टीमेटली जीरो आ रहा है और अपने को इक्वल टू जीरो भी चाहिए, ठीक है, माइनस टू और टू को भी करना है, माइनस टू और टू को भी करना है, यस करना है, यस करना है, और थ्री को भी इंक्लूड करना है, सेमी राइट क्लोज, लेफ्ट क्लोज इंटरवल, बट ये सोल्यूशन नहीं है, बताओ क्यों, क्या प्रॉब्लम है, जीरो जीरो किधर जीरो आ रहा है, किधर जीरो आ रहा है, माइनस टू और टू के बीच, ये ना बात, ये ना स्मार्ट लोग, माइनस टू और टू के बीच में कौन आता है रे, माइनस टू और टू के बीच में कौन आता है, जीरो आता है, और हमको पता है कि जीरो को सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं करना है, जीरो को सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करना है, तो ये तो एज इट इज लिख देंगे, माइनस इनफिनिटी से माइनस थ्री, यूनियन बोलो क्या लिखेंगे, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, माइनस टू से टू को कैसे ब्रेक करेंगे, बोलो माइनस टू से कहां तक जाएंगे, कम ऑन, जीरो तक जाएंगे, जीरो जीरो को क्या करेंगे, जीरो पे ओपन है क्लोज, जीरो पे ओपन है क्लोज, जीरो पे ओपन, यूनियन आगे बोलो, यूनियन जीरो से लेफ्ट ओपन टू, और बचा हुआ लास्ट कौन सा, लास्ट कौन सा, थ्री से सर क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, यस बराबर बोला, ये अपना सोल्यूशन है, काय सांगता मित्रांनो, कसा आहे, कळलं कळलं, एकदम सिंपल आहे की टफ आहे, तुम्हीच सांगा मला, सिंपल है की नाही, लो कर लिया हमने इसको भी टैकल, है कि नहीं, मजेदार है कि टफ है, एकदम एकदम बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स किए कि नहीं किए हमने, है ना, सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, यस, तो ये सारी चीजें भूली नहीं है आपको, अच्छा आपकी बुक, आपने प्रॉपर नोट्स बनाया कि नहीं बनाया, पहले वो बताओ, आपने बुक प्रॉपर मेंटेन किया है कि नहीं किया है, सब कर रहे हो कि नहीं बराबर सॉल्व आप लोग, है ना, तो ये सब भूला नहीं, ठीक है, कुछ टाइम बाद आपको लोग, अरे ये कैसे करने का, आपको नया नया लगेगा थोड़ा बहुत, तो प्रैक्टिस करने का, ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया, चलो अब ये ना कुछ और भी बताता हूँ, ठीक है, अच्छा आप लोग को बाकी स्ट्रेट लाइन कैसा लग रहा है, स्ट्रेट लाइन कैसा लग रहा है आप बताओ, अभी थोड़ा वो स्ट्रेट लाइन इतना ईजी नहीं है, आपको बता देता हूँ, इट्स नॉट दैट ईजी, है ना, अभी धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप बोलते ना इजी इजी आएगा, अभी थोड़ा सा आपको अपना लेवल बढ़ाना होगा, तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो फिर अभी हम लोग है ना कुछ और भी पढ़ने वाले, ठीक है, लीनियर इनइक्वेशंस पढ़ने वाले इन टू वेरिएबल्स, क्या पढ़ने वाले जल्दी से बोलो, लीनियर इनइक्वेशंस इन हाउ मेनी वेरिएबल्स, जल्दी से बोलो, टू वेरिएबल्स, ठीक है, अभी बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, अच्छी तरह सुन के लो, ठीक है, अच्छी तरह, एक आपको समझ में आ गया ना, मैं आपको बता रहा हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, कोई कुछ तंग भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आपको थोड़ा सा लेट ब्रेक दूंगा तो चलेगा, कोई इश्यू है क्या, इज इट ओके फॉर यू गाइस, थोड़ा लेट मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 6:30 बजे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को एक बार जरा कंसेप्ट आपको बता दूंगा ना 15-20 मिनट में, फिर आपको मैं ब्रेक दे दूंगा, ठीक है, राइट, यस सर, नो प्रॉब्लम, बढ़िया, ओके, अभी ध्यान से सुनना, ठीक है, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, बहुत अच्छी तरह फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए अपने को सब कुछ, उसके बाद देखो सब ऐसे चुटकियों में हो जाते हैं, चलो रेडी रश्मि मैडम, स्टार्ट करें, यस सर, ओके चलो, ओके, अभी देखो यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ गाइस, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, x plus y is equal to 3, बोलो ये क्या है, what is this, everyone tell me, ये क्या है, equation, ठीक है, ये एक linear equation in how many variables है, linear equation in 2, है ना, तो हमेशा linear equation in 2 variables, हमेशा क्या represent करता है, एक line represent करता है, क्या represent करता है, line, मुझे बताओ आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लाइन का इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, स्लोप पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, है क्या पढ़ा है, कैसा कुछ पढ़ा है आपने, है ना, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन रिप्रेजेंट करता है, अब ये हो गया, जैसे अभी मैं कुछ ऐसा बोल देता हूँ, 2x plus 5y is equal to 10, क्या है अगेन ये, व्हाट इज दिस अगेन, अगेन दिस इज अ
लाइन है ना, लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन हमेशा एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन की बात कर रहा हूँ ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स है, कितने वेरिएबल्स है, ये टू वेरिएबल्स, अगेन टू वेरिएबल्स की बात चल रही है, एक ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, दो वेरिएबल्स ओके। अभी क्या आपको लाइन को ड्रॉ करने आता है, क्या आप लाइन को ड्रॉ करना मतलब ऐसा रैंडमली लाइन नहीं, कोई भी अगर आपको लाइन का कोई भी अगर आपको लाइन का इक्वेशन दिया है तो आपको वो लाइन ड्रॉ करने आना चाहिए ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ जो आपको शायद पता होगा ठीक है, आई डोंट नो। अभी सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि आप है ना ये वाला लाइन ड्रॉ करो, क्या करो x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री लाइन, ये लाइन ड्रॉ कर दो ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री ये वाला लाइन ड्रॉ करके बताओ। तो क्या करोगे, सबसे पहले लाइन को ड्रॉ करने के लिए पहले क्या करो, x को जीरो पुट कर दो, क्या करो x को जीरो पुट करो। तो x को जीरो पुट कर दिया मतलब x कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, x को जीरो पुट कर दिया मतलब क्या x कोऑर्डिनेट जीरो, यस सर, y कोऑर्डिनेट 3 इक्वल टू 3। तो जल्दी से बताओ y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू कितना आया 3 आया। तो x को जीरो पुट किया, x को जीरो पुट किया तो y कितना आया 3 आया, तो एक कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 0.3 ठीक है डन। अभी एक काम करते हैं, अभी उल्टा करते हैं, अभी क्या करते हैं x प्लस वाई में किसको जीरो पुट करते हैं, y को जीरो पुट करो ठीक है, y को जीरो, ये लो y को जीरो पुट कर दिया, क्या आएगा x प्लस जीरो इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू कितना आया 3 आया। तो मैंने कितने पॉइंट जनरेट कर लिए, हाउ मेनी पॉइंट्स हैव आई जनरेटेड नाउ, 2 पॉइंट्स, एक 0.3। अब 0.3 कौन से किधर आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा कि नहीं आएगा, अग्री करते हो कि नहीं करते हो, 0.3 विल लाई ऑन वाई एक्सिस, दिस इज बेसिक स्टफ, एवरीवन नोज इट, Yes or no? Approx यहाँ पे मार्क कर लिया, ये हो गया 0.1, आगे बोलो उसके ऊपर 0.2, उसके ऊपर 0.3, approx है ठीक है, this is approx। Next बोलो इधर इधर क्या आएगा 1.0, आगे बोलो बच्चा लोग 2.0, आगे बोलो 3.0। अब मैं क्या करूंगा बच्चा लोग, what will I do? I'll join 0.3, ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया और ये पॉइंट को मार्क कर दिया। अभी क्या करोगे, ये दोनों पॉइंट को क्या करोगे बच्चा लोग, ये दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करो ठीक है, ये दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करो, स्ट्रेट लाइन ना, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। दिखा सबको, सबको दिखा कि नहीं दिखा, कम ऑन एवरीवन। सो ये जो है, ये जो है, ये कौन सा लाइन है जल्दी से बोलो, x प्लस y इज इक्वल टू 3 ठीक है। सबको बोलो ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करने आया कि नहीं आया, टेल मी ऑनेस्टली एवरीवन, शो रिप्लाई। हमेशा जब स्टार्टिंग जब आप कोई चीज पढ़ते हो ना तो हमेशा ग्राउंड से पढ़ने का, जीरो से पढ़ने का, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी बढ़िया। तो अगर मैं आपको बोलूं कोई और एक लाइन ड्रॉ करना है, कोई और एक लाइन ड्रॉ करना है तो आप कर पाओगे क्या, विल यू बी एबल टू ड्रॉ, कम ऑन यू गाइस रिप्लाई। यस सर। ओके, 7x plus 2y is equal to 21. How do I draw this line? 7x plus 2y is equal to... Sir, पहले y को 0 लो. Okay, चलो, पहले y को 0 ले लिए. ये बोल रहा है y को 0 ले लो. तो x कितना आएगा? कौन बताएगा? What will be x? ये आएगा, sir. ये आएगा, बराबर बोला. अब x को 0 ले लो. y कितना? 21 by 2. 21 by 2 कितना होता है, बच्चा लोग? 21 by 2 approx? 10.5. चलो, come on. ड्रॉ करो क्या आएगा, 3.0 का आएगा बच्चा लोग, 3.0 ऑन द 3.0 एक्स एक्सिस पे ना बच्चा, है ना, 3.0 कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। और 0.10.5 का आएगा अप्रोक्स ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे आएगा रे 0.10.5, बट अप्रोक्स इधर मार्क किया है मैंने ठीक है, वो ऐसा पूरा गिन के नहीं किया है, जस्ट अप्रोक्स मार्किंग। क्या करेंगे इन दोनों को, क्या करेंगे इन दोनों को जल्दी से बताओ, इन दोनों को हम लोग जॉइन कर देंगे ठीक है। तो ये जो लाइन बना है वो कौन सा लाइन है जल्दी से बताओ, ये जो बना है वो कौन सा लाइन है, 7x plus 2y is equal to 21 ठीक है। अभी सब लोग ध्यान दीजिएगा, मेरा इंटेंशन ये तो ठीक है बताने का था, पर हमको बेसिकली पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशन पढ़ना है कि इन इक्वेशन पढ़ना है, इक्वेशन पढ़ना है, इक्वेशन पढ़ना है, इक्वेशन पढ़ना है। ये तो आपको मैंने इक्वेशन के बारे में बता दिया ना, ये तो इक्वेशन के बारे में बता दिया, ये भी पता होना चाहिए, बट अभी इन इक्वेशन के बारे में जानेंगे, अभी क्या होता है अभी ध्यान से सुनना ठीक है। ओके, अभी इसी को देख लो ठीक है, इसी को देख लो।
7x plus 2y is equal to 21. थोड़ा सा लाइन में बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट. ओके, सबको ये रेड कलर का लाइन दिख रहा है, सबको ये रेड कलर का लाइन कौन सा लाइन है, वो 7x plus 2y is equal to 21. ये पॉइंट कौन सा है जल्दी से बताओ जो मैं मार्क करने जा रहा हूँ, ये पॉइंट कहाँ पे, कम ऑन, वो ये पॉइंट कौन सा है, क्विक, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्या ये पॉइंट, कौन बेसिक क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन है कि नहीं है, ओरिजिन पता चलता है ना, दिस इज ओरिजिन, ठीक है. अभी ध्यान से सुनना, अब ये जो ओरिजिन है, ये जो ओरिजिन है वो कहाँ पे, लाइन के नीचे के साइड पे है कि नहीं है, लाइन के नीचे के साइड पे है कि नहीं, अग्री करते हो कि नहीं करते हो, ये जो ओरिजिन पॉइंट है वो ये जो 7x plus 2y is equal to 21 वो लाइन के नीचे है ना, अग्री करते हो कि नहीं करते, yes, sir. Yes. Yes. ये जो साइड है, ये जो लाइन के नीचे वाला साइड है, ठीक है, लाइन के नीचे वाला साइड, मैंने लाइन को इंक्लूड नहीं किया है, लाइन को इंक्लूड नहीं किया है, लाइन के नीचे वाला जो रीजन है, ठीक है, लाइन के नीचे वाला रीजन है उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा मैं ओरिजिन साइड ऑफ 7x plus 2y is equal to 21. क्या बोलूंगा मैं नीचे वाले रीजन को या नीचे वाले साइड को, ओरिजिन साइड ऑफ 7x plus 2y is equal to 21. अभी क्यों बोलूंगा ऐसा मैं, क्योंकि 0,0 कहां पे है, 0,0 कहां पे, ये वाले लाइन के कहां पे, लाइन के नीचे के साइड है ना, नीचे के साइड, लाइन के नीचे वाला जो पार्ट है वहां पे मेरा ओरिजिन है, क्या ऊपर वाले पार्ट में ओरिजिन है, क्या लाइन के ऊपर वाले पार्ट में कहीं पे यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे कहीं पे भी ओरिजिन नहीं है, तो ये वाला पार्ट, ये जो वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला लाइन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट इंक्लूडिंग द लाइन, लाइन के ऊपर वाला पार्ट, तो वो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड ऑफ 7x plus 2y is equal to 21. बोलो इतना सा पार्ट समझा कि नहीं समझा, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, सर इट इज क्लियर. Everyone should reply. Come on. Yes, sir. Okay. Yeah. चलो फटाक से मुझे ये वाला लाइन ड्रॉ करके दो within one minute. ये वाला लाइन ड्रॉ करके दो. इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. X plus y is equal to minus 5. 0,5 and 5,0. 0, minus 5 ना बच्चा. 0, -5 and -5,0. हाँ. 0, -5 कहाँ आएगा? इधर आएगा. यहाँ पे ऑन द y एक्सिस 0, -5. ऐसा कुछ लाइन बनेगा क्या, चेक करो जरा, ये अप्रोक्स बनाया मैंने, ठीक है, अगेन अप्रोक्स बनाया मैंने. यस. ओके, अब मुझे बताओ ओरिजिन कहाँ पे, लाइन के ऊपर है कि नीचे है, ओरिजिन कहाँ पे, लाइन के ऊपर है कि नीचे है, लाइन के ऊपर है. ये देखो ओरिजिन यहाँ पे है ना. Yes. जो ऊपर वाला जो रीजन हुआ, ऊपर वाला जो रीजन, उसको क्या बोलेंगे, ऊपर वाले रीजन को क्या बोलेंगे, ओरिजिन साइड. ओरिजिन साइड किसका, ओरिजिन साइड रे, किसका ओरिजिन साइड ऑफ x plus y equal to minus 5. बोलोगे सर ये लाइन तो इधर खत्म होता है क्या, ये लाइन इधर खत्म होता है क्या, बताओ, ये जो लाइन है ये ब्लैक लाइन एक्सटेंड होते रहता है, लाइन कभी खत्म होता है क्या, आपने सुना ना, बेसिक मैथ पता है ना, लाइन कभी भी खत्म नहीं होता है. हम एरो क्यों डालते हैं, हम एरो इसलिए डालते हैं कि वो चलते ही रहता है, इट इज अप टू इनफिनिटी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा सर यहीं पे जाके खत्म होगा, नहीं, ये चलता ही रहेगा नीचे से भी और ऊपर से भी, ठीक है. चलो तो ये वाला ओरिजिन कौन सा हो गया बच्चे लोग, दिस इज ओरिजिन साइड, और नीचे के साइड ओरिजिन है क्या, क्या नीचे के साइड ओरिजिन है, नहीं है, तो ये वाला पार्ट क्या है, व्हाट इज ये वाला पार्ट, दिस इज नॉन ओरिजिन साइड ऑफ x plus y equal to minus 5, ठीक है, ये आपको पहले मैंने बता दिया, अभी ठीक है. चलो अभी क्या करना है, ये भी आपने सीख लिया. अभी दूसरा चीज देखो, स्टेप बाय स्टेप जाने का ना, कोई भी चीज अगर घाई में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी आपको, राइट, पे अटेंशन. सपोज मैंने कुछ ऐसा लिख दिया 2x plus 5y, ठीक है, ध्यान से सुनना, अभी कुछ नया बताने जा रहा हूं, 2x plus 5y greater than 10, ठीक है, ये क्या है जल्दी से बोलो, अभी ये क्या लिखा है मैंने, व्हाट इज दिस, दिस इज अ लीनियर इनइक्वेशन विद टू वेरिएबल, है ना. अभी मुझे है ना पता करना है कि ये जो मैंने लीनियर इनइक्वेशन लिखा है, ये लीनियर इनइक्वेशन कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करता है. क्या बोला मैंने, अच्छी तरह सुनने का, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये जो लीनियर इनइक्वेशन है
ये कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करता है, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है. एम आई मेकिंग माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर, है ना, कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करता है. अच्छी तरह आपको और समझ में आएगा. तो अभी कैसे करें, हाउ डू आई स्टार्ट. तो देखो सबसे पहले इसके बारे में ये ड्रॉ करने के लिए, ये रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, ये वाला लाइन ड्रॉ कर दो. क्या कर दो, ये वाला लाइन ड्रॉ कर दो. कौन सा, 2x + 5y = 10 ना, ये पहले ड्रॉ करो. आपको ये नहीं चाहिए बट पहले ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा 2x + 5y = 10. क्या सब लोग ड्रॉ कर सकते हो इसको, सब लोग ड्रॉ कर पाओगे? कम ऑन, एवरीवन शुड ड्रॉ दिस. कम ऑन ट्राई करो. 0.02 आएगा. ओके, एक्स को जीरो पुट किया तो वाई टू, बहुत बढ़िया. वाई को जीरो पुट किया तो 0.5. ओके, नहीं 5.0, 5.0 बराबर ना रे? यस. 0.2 कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा. 0.2 ऑन वाई एक्सिस, चलो मार्क कर लिया. 5.0 कहाँ, एक्स एक्सिस. 2, 3, 4, 5 अप्रोक्स है ये, दिस इज अप्रोक्स है, मेरा कुछ रैंडम है. क्या करोगे इन दोनों को आप, क्या करोगे इन दोनों को आप, यू गाइस विल ड्रॉ इन दोनों पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो. ठीक है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो. अभी ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ. ठीक है, आड़ा तिरा लाइन नहीं होना चाहिए, पहले ही बता रहा हूँ, सीधा लाइन होना चाहिए. ओके, अभी देखो ध्यान से सुनना. यहाँ पे तीन टाइप ऑफ रीजन्स है. क्या बोला मैंने, यहाँ पे तीन टाइप के रीजन है. रिपीट करो मेरे साथ, कितने टाइप के रीजन है यहाँ पे, तीन टाइप के रीजन है, या फिर बोल सकते हो तीन टाइप के पॉइंट्स है. ठीक है, तीन टाइप के पॉइंट्स है. एक ऐसे पॉइंट्स है जो लाइन के ऊपर लाए करते हैं, अग्री करते हो कि नहीं करते हो, एक ऐसे पॉइंट्स है जो लाइन के ऊपर लाए करते हैं. देखो यहाँ 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 लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है. एक ऐसे पॉइंट्स है जो लाइन के ऊपर, मतलब समझ में आ रहा है, ऑन द लाइन बोल रहा हूँ, ऑन द लाइन ना, ऑन द लाइन. ये मैंने जो भी पहला बोला ऊपर, मतलब ऑन द लाइन पॉइंट्स है. दूसरे कौन से पॉइंट्स है, एक ऐसे पॉइंट्स है जो बिलो द लाइन लाए करते हैं, अग्री करते हो कि नहीं करते हो, बिलो द लाइन, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले, ये देखो दिख रहा है, ये वाले पॉइंट्स आते हैं. और एक ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो अबाउ द लाइन लाए करते हैं, अग्री करते हो कि नहीं करते हो. मतलब बेसिकली तीन रीजन आ गया. कौन सा तीन रीजन आएगा बोलो, कौन सा, ऑन द लाइन, ऑन द लाइन वाला, बिलो द लाइन एंड अबाउ द लाइन, है ना. ऑन द लाइन मतलब लाइन के ऊपर के पॉइंट्स, लाइन के ऊपर के पॉइंट्स, ये एक रीजन हो गया. दूसरा क्या, ऊपर वाला, ये वाला एक रीजन हो गया अबाउ द लाइन, और नीचे वाला क्या हो गया, बिलो द लाइन. ओके, अभी हमको क्या करना है, हमको तो यार ये चाहिए, हमको तो इसके बारे में जानना है ना, इसके बारे में जानना. अब देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ बता रहा हूं अच्छी तरह. 2x + 5y > 10. अभी आप क्या करो, व्हाट डू यू डू, आपको जस्ट एक ही चीज करनी है. ठीक है, आपको जस्ट एक ही चीज करनी है. आप चेक करो, मुझे बताओ ये नीचे वाला साइड कौन सा है, नीचे वाला साइड कौन सा है, ये वाला साइड कौन सा है. कम ऑन यू गाइस टेल मी, कौन सा साइड है नीचे वाला साइड, ये वाला साइड कौन सा है, ओरिजिन साइड ऑफ, ओरिजिन साइड ऑफ 2x + 5y > 10 का कौन सा साइड है, वो ओरिजिन साइड है, वो ओरिजिन साइड है. ऊपर वाला साइड कौन सा है, ऊपर वाला साइड नॉन ओरिजिन साइड ऑफ 2x + 5y. अभी मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन साइड से कोई भी एक पॉइंट उठा लेता हूँ. ओरिजिन साइड से मैंने 0.0 को उठा लिया. ठीक है, ओरिजिन साइड से मैंने एक रैंडम पॉइंट 0.0 मैंने पिक कर लिया, है ना. अभी क्या करता हूँ, वो पॉइंट को मैं, जो मैंने पॉइंट चूज किया है ओरिजिन साइड से 0.0, वो पॉइंट को मैं ये इन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये इन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, एंड चेक करता हूँ कि 0.0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे क्या इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना. मैं चेक करता हूँ ये 0.0 को ये इन इक्वेशन में पुट करके, ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है. मतलब क्या बताना चाहो, देखते 2 × 0 + 5 × 0 > 10. बोलो 2 × 0 कितना होता है, 2 × 0 = 0 + 0 > 10. 0 + 0 क्या होता है, 0 होता है. 0 > 10. क्या 0 का वैल्यू 10 से बड़ा है, क्या 0 का वैल्यू 10 से बड़ा है, नहीं बड़ा है. 0 = 10 से बड़ा है ही नहीं. तो मतलब मैंने क्या किया, ओरिजिन साइड से एक पॉइंट उठाया. कौन सा पॉइंट उठाया, 0.0 पॉइंट उठाया, और वो पॉइंट को इन इक्वेशन के LHS में पुट किया, इन इक्वेशन के LHS में पुट किया, और वो RHS के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब वो सेटिस्फाई करवा रहा है कि नहीं कर रहा है कंडीशन, नहीं करवा रहा है. देखो 0 < 10 ये तो गलत है, दिस इज फॉल्स.
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जो रीजन है ना नीचे वाले रीजन से, आप कोई भी पॉइंट ले लो, नीचे वाले रीजन से कोई भी पॉइंट ले लो, वो पॉइंट को जब आप LHS में डालोगे ना, तो हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। क्या आएगा आपका आंसर? फॉल्स ही आएगा। मतलब ये जो नीचे वाला जो रीजन है ना वो ये रीजन नहीं है, नीचे वाला रीजन वो ये रीजन नहीं है। और लाइन वाला रीजन कौन सा है, लाइन वाला रीजन कौन सा है, कम ऑन, लाइन वाला कौन सा है, 2x + 5y इक्वल टू 10 है, बराबर है। तो नीचे वाला नहीं है, ऊपर वाला नहीं है, ये ऑन द लाइन वाला नहीं है, तो कौन सा वाला रीजन होगा? ऊपर वाला, ऊपर वाला, अबाव। ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है ना, ये कौन सा रीजन है? लाइन के ऊपर वाला रीजन है, ये वाला। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर कैसे, हम लोग एक बार वेरीफाई करके देखते हैं ना सर, आता है कि नहीं आता है। चलो कोई भी एक पॉइंट ले लो, चलो यहाँ पे एक 4 ले लिया, ये चलो ये 3 है, 3,10 ऊपर आता है कि नहीं आता है, अग्री करते हो कि नहीं करते हो? 3,10 ऊपर लाई करता है अबाउ द लाइन, ये सर में रिप्लाई दो, 3,10 डज इट लाई अबाउ द लाइन, है ना? चेक करते 3,10 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। पुट करो, पुट करो, 2 × 3 + 5 × 10 बोलो कितना है? 56 आ रहा है। सही है ना, ये गलत है क्या? सही है, yes, sir, सही है। मतलब क्या हुआ, ये वाला रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन कौन सा है? अबाउ द लाइन वाला रीजन। लाइन इंक्लूडेड है क्या? लाइन इंक्लूडेड है क्या? नहीं है। लाइन इंक्लूड कब होगा पता है? लाइन ये जो ऐसा, ये जो मैंने शेड किया ना, इसमें लाइन कब इंक्लूड होगा? जब यहाँ पे ऐसा इक्वल टू साइन भी आएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इक्वल टू साइन आएगा, इक्वल टू आ गया तो ये लाइन को भी क्या करोगे आप, ये लाइन को भी क्या करोगे आप, इक्वल टू यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करोगे। समझ में आया कि नहीं? इतना सा पार्ट क्लियर है? काय सांगता मित्रांनो, कर लो कि नहीं कर लो? कर लो। चलो एक लास्ट करते, फिर आपको ब्रेक देता हूँ, फिर इसमें और थोड़ा वैरायटी करेंगे। ठीक है, इसमें और थोड़ा वैरायटी करेंगे। हाँ, (3x + 8y) = 24। चलो मेरे को क्या चाहिए, मुझे चेक करना है कि ये जो इन इक्वेशन है कौन सा रीजन क्या करता है, ये इन इक्वेशन कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करता है। दिस इज व्हाट आई वांट टू चेक। ओके, सब लोग रेडी हो? क्या करेंगे सबसे पहले, क्या करेंगे बताओ, आप बताओ, व्हाट शुड आई डू फर्स्ट? पहले क्या करेंगे, मतलब 3x + 8y = 24। हाँ, ये क्या है, ये क्या है, कम ऑन, व्हाट इज दिस? इज अ, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, बट ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक लाइन रिप्रेजेंट करता है ना, है ना? तो पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स ड्रॉ द लाइन। चलो, बट अपने को लाइन से तो मतलब नहीं है, अपने को ये रीजन चाहिए। ठीक है, बट पहले लाइन तो ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो यार मुझे बता दो, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? x को 0 पुट किया तो y कितना आ रहा है? 8,0। ओके, पहला क्या बोला, 0,3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड y को 0, बहुत बढ़िया, गुड। तो ये 0,3 मार्क कर लिया, इधर बोलो कितना, इधर बोलो कितना, कम ऑन, 8,0। रफ 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 फिगर है ये। ठीक है, क्या करोगे आप इन दोनों को, क्या करोगे बच्चा लोग, आप इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करो, जॉइन कर लो। ठीक है, यू जॉइन दीज टू पॉइंट्स। सब लोग यहां तक पहुंच गए हो कि नहीं पहुंचे हो? यस। ओके, अब बताओ टोटल कितने टाइप के रीजंस है, टोटल कितने टाइप के रीजंस है आपका एक्स वाई प्लेन अबाउट द लाइन, है ना? अभी अपने को पता नहीं कौन सा रीजन आने वाला है, एक काम करते हैं, अपने को तो पता नहीं कौन सा रीजन आने वाला है, तो काम करो ओरिजिन साइड से एक पॉइंट उठा लो। ओरिजिन साइड से हर बार हमारा फेवरेट पॉइंट कौन सा होता है, ओरिजिन साइड से हमारा फेवरेट पॉइंट कौन सा है, 0,0। पुट करो जरा यहाँ पे, चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कम ऑन, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। 3 × 0 + 8 × 0 क्या रहा है, 0 < 24। अरे ये तो सही है ना, राइट है, वो तो मेरा 24 से छोटा ही है, करेक्ट ना, 0 तो 24 से छोटा ही है। सर एक काम करो ना सर, और कोई पॉइंट लेके दिखाओ सर, हम लोग नहीं मानते, कोई और पॉइंट लेके दिखाओ। चलो ले लो कोई भी नेगेटिव नंबर, लो इधर का कोई पॉइंट ले लो, -2 - 1 ले लो, चलो आपको जो ठीक लगता है वो ले लो। देखो थर्ड क्वाड्रेंट वाला भी कोई भी पॉइंट चलेगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट वाला वो भी चलेगा, कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, यहाँ पे एक्स वाई क्वाड्रेंट नेगेटिव, देखो वो सेटिस्फाई करेगा। चलो ले लो -3 - 5 ले लो, चलो -3 - 5 पॉइंट, नीचे एकदम नीचे आने वाला है वो, पुट करो 3 × -3 + 8 × -5 < 24 कितना आता है, -9 - 40 - 49 < 24 सही है ना, -49 तो 24 से छोटा ही है, पता है हमको। तो मतलब क्या हुआ, ओरिजिन से मैंने एक पॉइंट उठाया 0,0, उसने सेटिस्फाई किया, मतलब इस रीजन के सारे पॉइंट्स क्या करेंगे,
इस रीजन के सारे पॉइंट्स इस इनक्वेशन को क्या करने वाले है, सेटिस्फाई करने वाले है। मतलब मेरा सोल्यूशन सेट क्या रहेगा, ये पूरा रीजन रहेगा। क्या लाइन इंक्लूड होगा, क्या क्या लाइन इंक्लूड होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ ग्रेड लेस देन 24। अगर इक्वल टू भी आ जाता ना तो ये लाइन वाला, लाइन वाले पॉइंट्स भी इंक्लूडेड हो जाते। चलो मान लो यहाँ पे इक्वल टू कर लिया, तो यहाँ पे इसको ड्रॉ कैसे करोगे? ऐसा आप ड्रॉ करोगे, लाइन के ऊपर से बनाओगे, ठीक है, लाइन के ऊपर से ऐसा बनाओगे, लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे, है ना, ऐसा बनाओगे आप कुछ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चा लोग? क्लियर है, क्लियर है। इजी था कि टफ था ये? अब इसमें दो तीन एक साथ डालूंगा मेरे को, है ना, दो तीन एक साथ डालूंगा, ठीक है। तो अभी एक काम करो आप लोग, है ना, सीधा अभी कितना बज रहा है, 5:40 होने वाला है ना, 5:40 कुछ मिनट में हो जाएगा। तो आप लोग अभी कितने बजे, 6 बजे ज्वाइन हो जाओगे? 6 बजे ज्वाइन हो जाओगे बच्चा लोग, राइट? चलो एंजॉय करो, ठीक है, एंजॉय द ब्रेक, टेक केयर। नहीं 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 नहीं, ग्राफ की जरूरत नहीं है बच्चा, नॉर्मल बुक में ही ड्रॉ करो, कुछ ग्राफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो 6 बजे मिलिए, थैंक यू बच्चा लोग।